हम पहुंच चुके हैं कुंभलगढ़। और ये तीसरा गेट आता है, बहुत देखिए सुंदर दृश्य। तो ये हमारे देश का तिरंगा देखिए। और ये हट्टी खींच लो फोटो सागर। इस गेट से एंट्री यहाँ चिकन कुंभलगढ़ की जो दीवारें है सेकंड लार्जेस्ट वॉल है। ये देखिए खुफिया रूम है, ये कुंभ पैलेस। और ये देखिए हमारा भाई कहाँ चढ़ चुका है। ये देखिए दीवारें है जो 21 फीट चौड़ी है। और ये शिव जी का मंदिर। और बने रहिए हमारे साथ नाथ द्वारा तक। और निकल चुके हैं नाथ द्वारा के लिए। और यहाँ से चल रहे हैं रास्ते में। और ये हमारा सागर, ये पहले कुंभलगढ़ से भाग गए थे, बहुत नीचे आ गए थे और इन्होंने फोटो वोटो कुछ भी सारा मिस कर दिया। तो हेलो गाइस, पहुंच चुके हैं हम नाथ द्वार। नाथ द्वार में हम जा रहे हैं अब श्री नाथ जी के मंदिर। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं दिखा दे शिव मूर्ति, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिमा। अभी यहाँ पे भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में, ये देखिए। और अभी चलते हैं सीधा नाथ द्वारा मंदिर, उसके बाद जाएंगे हम शिव मूर्ति देखने। और मिलते हैं यहाँ से, लेंगे हम ऑटो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके। और ये सागर बैठ चुके हैं और यहाँ बैठे हैं हम ऑटो में, ये देखिए। और यहाँ से लेना पड़ता है ऑटो नाथ द्वार मंदिर के लिए। अब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ऑटो ले लिया और बड़ी तेजी से नीचे जा रहे हो। हाँ भाई सागर, नो कमेंट सागर है। शिव जी का मंदिर, शिव जी की मूर्ति वहाँ पे, अभी जाएंगे मूर्ति उतर गए और यहाँ से अंदर जाएंगे मंदिर के लिए। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। फाइनली दर्शन कर लिया हमने श्री नाथ जी के और हम जा रहे हैं अब शिव मूर्ति देखने मूर्ति के यहाँ। और ये रही हमारे पीछे शिव मूर्ति। और हम अभी टिकट लेंगे, टिकट लेके जाएंगे, आपको बताएंगे टिकट कितने की है। ये देखिए टिकट के प्राइस है यहाँ पे, यहाँ से एंट्री है। हनुमान जी की मूर्ति। और यहाँ से एंट्री होगी हमारे शिव जी के, तो प्रतिमा है यहाँ से देखिए। हमारी एंट्री हो चुकी है, शिव मूर्ति हमारे बिल्कुल ही सामने है। देखिए हम आपको दर्शन कराएंगे बहुत अच्छे से। और यहाँ पे टिकटों का 3 सिस्टम से टिकट बांटी गई है, 200, 400 और 1500। 200 में आपको चरण स्पर्श मिलेंगे शिव जी के, और अगर 400 दोगे तो वो ऊपर वहाँ तक शिव जी के जो वहाँ पे वासुकी है, वासुकी सांप है, वहाँ तक जाने को मिलेगा। और 1500 में जल अभिषेक जहाँ से होता है आपको वहाँ पे जाने के लिए मिलेगा। तो ये टिकट का सिस्टम था। अब 200 रुपये में हमने एंट्री ली है क्योंकि जल्दी टाइम नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए हमने 200 रुपये की टिकट ली है। चरण स्पर्श करेंगे हमारे महादेव जी भगवान जी के और आपको दिखाएंगे प्रतिमा आगे से। अभी चलते हैं और दिखाते हैं आप। जाएंगे हम चरण स्पर्श के लिए। और ये शिवलिंग जी, और ये मेज गार्डन भूल भुलैया। और इसमें भी जाएंगे आने के बाद, पहले चरण स्पर्श करें। और ये मेरे मामा श्री यहाँ के चलते हैं, ये छोटी प्रतिमा। और ये है यहाँ पे विशाल बड़ी प्रतिमा देखी। और हम आपको चरण स्पर्श करने जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ से चलेंगे हम चरण स्पर्श करने महादेव जी के। चलिए
बहुत ही अच्छा व्यू है हमारे महादेव जी ऊपर, भोलेनाथ जी पधार विराजमान में है, और बहुत ही अच्छा सुंदर है, पूरा पार्क सा बना रखा है, अच्छा एरिया है ये बहुत ही सुंदर दृश्य। और पीछे है म्यूजियम वगैरह, स्नोबोर्ड एडवेंचर भी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए अलग से फ़ीस होती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी फ़ीस है कितनी नहीं है, अलग से टिकट लगती है। और हमारे पीछे महादेव भोलेनाथ और पीछे नंदी जी, और दिखाते हैं आपको उधर म्यूजियम है, अभी हमने म्यूजियम की टिकट तो नहीं ली है, फिर भी हम आपको बाहर से दिखा देंगे। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, जो अब हम निकल रहे हैं, अब ये देखिए शिव जी की मूर्ति और हर माले। तो आज हम निकल रहे हैं यहाँ से, सीधा जाएंगे घर, और कल की ट्रेन है हमारी, तो कल जाएंगे दिल्ली। तो ये था आज का ब्लॉग, जो हमने कुंभलगढ़ कवर किया, श्री नाथ जी टेम्पल कवर किया, और शिव जी की मूर्ति को हमने कवर किया। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।